फर्स्ट स्टोरीज के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद असलम खोखर और आज मैं मौजूद हूं रेलवे स्टेशन गुरड़ा शरीफ पर और आज मैं आपको सैर करवाने जा रहा हूं इस बोगी की। ये आपको एक आम सी बोगी तो नजर आ रही है लेकिन इसकी बड़ी तारीखी हैसियत है। 1888 में इसको बनाया गया था, जोधपुर में ये बनी थी और जोधपुर के ही महाराजा थे जिन्होंने अपनी बेटी की शादी पे, अपनी जो बेटी थी उसकी जो रानी थी उसको उन्होंने गिफ्ट किया था उसकी शादी पर, और फिर वो उसमें ट्रैवल करती थी जहाँ पे भी जाती थी। ये बड़ी लग्जरी बोगी है, आइए आपको इसकी सैर करवाते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें थी और आप हैरान रह जाएंगे। ये आपको इसकी सैर, तो ये है जी ओवन, ये उस दौर का ओवन बना हुआ है। इसमें जो है वो बाकायदा तौर पर आग लगाई जाती थी, यहाँ पे ये चीजें रखी जाती थी। ये देख रहे हैं आपने उसके अंगारे शंगारे जो नीचे गिरते थे, उसके बाद यहाँ से जो आग है वो हीट लेती थी। ये आप खोल के अभी आपको दिखाएंगे, यहाँ पे जो है वो चीज़ें रखकर गर्म करते थे। जैसे कि आज हम अपना घर में कोई चीज़ भी है खाने पीने की तो हम इसमें गर्म करते थे, तो फिर ये हीट का जो सिस्टम है ये फिर ऊपर भी जाता था और ऊपर ये सारा निज़ाम था। आप देख सकते हैं कि इसके साथ ही ये उनकी तमाम तर चीज़ें लगी हुई हैं, खिड़की भी लगी होती थी ताकि जो एग्जिस्टेंस है वो हो सके। आपको इसके साथ मैं बताऊं कि ये देख लें, यहाँ पे वो बर्तन धोते थे, बर्तन की जो चीज़ है यहाँ पे उन्हें, जैसे कि आजकल की हमारी बनी होती है बेसन है, बड़ा प्यारा, यहाँ साबुन रखने की भी जगह है। और उसके साथ अब मैं आपको दिखाता हूँ जनाब, ये आप ये मत समझिए कि सिर्फ आप ही गर्म पानी यूज़ करते हैं और गीज़र यूज़ करते हैं, तो ये पुराने दौर का गीज़र है जो रानी का गीज़र इस्तेमाल होता था। ये पानी, ये चीज़ गर्म होती थी और पानी जो है वो आगे सप्लाई होता था। आप इसको देख भी सकते हैं, तो किचन में आप देखें, ये खोल के अभी आपको दिखाते हैं कि इसमें जो है वो अपनी चीज़ें रखा करते थे। ये पूरी अलमारी बनी हुई है, इसमें मसाला जात जैसे आप हम इस्तेमाल करते हैं वो है। अच्छा, आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी कि ये सबसे पहले यहाँ पे एक बोर्ड है, ये लाजमी होता था। इसमें ट्रांसफर शीट है कि लिस्ट ऑफ फिटिंग सलून, ये जो सलून है RA5 रेलवे की जो है वो बनाई गई है। डिस्क्रिप्शन बाकायदा तौर पर दी गई, सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ, ये है बेडरूम, क्योंकि इसमें एक बेडरूम है, उसमें है हेडरॉक है, उसके बाद है कोट और हुक्स है, इसमें कर्टन हुक्स है, इसमें लेग्स फॉर अपर बर्थ है जो उसकी हैं, उसके बाद फोल्डिंग ब्रैकेट्स हैं, इसमें कोट क्रैब है टाइप है, कर्टन रेड्स हैं विद ब्रैकेट्स का कहा गया है, फिर फिंगर प्लेट्स इसमें है, डोर प्लेट्स हैं और इसके साथ और वेंटिलेटर्स फॉर रूफ है वो भी है, टावल है विद क्लैप है, रिंग्स फॉर कर्टन है और मिरर जो है वो 18x22 का एक है। अच्छा, उसके साथ साथ मैं अब आपको बताता चलूँ कि इंस्पेक्शन रूम में क्या क्या चीज़ें होती थी। इसमें कोट और हैट है 5, साइड डोर हैंडल्स डबल हैं 2, टर्नओवर कैच सेफ्टी डोर जिसे कहते हैं वो 2 हैं, उसके बाद टावर बोल्ट विद क्लैंप 2 हैं, कर्टन रोड्स विद ब्रैकेट्स 11 हैं, रिंग फॉर कर्टन 102 हैं, कर्टन हुक्स हैं, कर्टन प्लेट्स हैं, रिंग्स हैं। अच्छा, उसके बाद आप आगे आ जाए तो आगे आपको नजर आएगा बाथरूम की जो चीज़ें हैं वो क्या क्या थी। इसमें डोर हैंडल्स हैं डबल, अच्छा डोर प्लेट्स हैं, टावल है, वेंटिलेटर्स के लिए चीज़ें हैं, वाश बेसन है, सोप बेसन है, सोप पैन है, और इसके बाद उसके साथ कुक पेल है, टावल हैंगर हैं और उसके बाद हैंड होल्ड भी है। बाथरूम 2, उसमें भी बॉटल ओपनर इसमें लगा हुआ है, लीड फॉर कमोड सीट भी इसमें है, ये जनाब कमोड है तब भी इस्तेमाल होता था। ऐसे सर्वेंट कॉम्बिनेंट में जो चीज़ें थी उसमें हुक अलमारी है, कर्टन रोड है, प्लेट्स हैं छोटी बड़ी, उसके बाद स्टेपल विद जो है लव्स कुछ मिटा हुआ है इसमें समझ नहीं आ रहा है, डोर प्लेट्स भी हैं, टावल भी है, ये तमाम तरह चीज़ें हैं। उसके बाद फिर किचन रूम आ जाता है, किचन की जो तमाम तरह चीज़ें हैं वो भी आपको यहाँ पे नजर आएंगी। यहाँ पे आप उनके पुराने दौर के बटन भी देख सकते हैं, हुक्स भी देख सकते हैं और ये ट्रे भी है इसके साथ, ये आपको नीचे जो है वो नज़र भी आ रहा है, यहाँ इसको खोलते हैं और ये तमाम तरह चीज़ें जो किचन की यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। आगे चलते हैं और देखते हैं, ये जो है वो सर्वेंट क्वार्टर है, जो सर्वेंट की जगह है वो है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि एक सीट बकायदा बनी हुई है इसमें, ये आगे ये बर्थ भी इसका जो है वो बना हुआ है, ये दरवाज़ा है, हम इसको जो है खोलते हैं। ये पंखा आप देख लें जी, बड़ा प्यारा है पंखा जो है उस दौर का बना हुआ है, और फिर ये उसी की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ये बेल भी इधर है, अगर वो वहाँ से बेल बजाते थे
तो फिर ये बैल बजती थी और यहाँ से जो है वो जो उनके सर्वेंट होते थे वो जाते थे कि ये जो है वो बिजली की चीज़ें हैं, बिजली की जो चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल होती थी। बल्ब आप देख सकते हैं अभी तक वैसे के वैसा जो है वो खड़ा हुआ है। उसके साथ फिर मैं आपको आगे जो दिखाऊँ तो ये है जी वॉशरूम जो यूज़ करते थे उनके सर्वेंट जो है वो यूज़ करते थे, और इसमें भी गर्म पानी की बकायदा जगह है, टूटी भी लगी हुई है, और ये साबुन रखने की जगह है, हैंगर है, और ये बड़ा वीपी किस्म का उन्होंने अपने सर्वेंट्स के लिए बनाया। ये अलमारी है, इसमें जो है उनके इस्तेमाल की चीज़ें जो है वो उन्होंने अपनी रखी हुई हैं। ये सारी मुकम्मल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अलमारी उन्होंने बनाई है, जहाँ उसमें रैक्स भी बने हुए हैं चीज़ें रखने की। ये मेरे ख्याल में जो है खाने पीने की जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी उनकी चीज़ें जो है वो यहाँ पर उन्होंने रखी हैं, और ये आप उसको देख सकते। ये जो है महारानी जो थी उसका वाशरूम आपको दिखाएं जनाब, ये बेसन उसी दौर का 1888 का, और उसके साथ साथ आप देखें जनाब ये जो है शीशा भी है, उसके ऊपर बल्ब भी लगा हुआ है ताकि मुंह जो आपका सही नज़र आ सके। बड़ी क्लास की ही चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें। ये जो है हमें पानी नज़र आ रहा है, मैं आपको कोशिश करते हैं कि खोल के भी आपको दिखाएं कि ये इसमें जो गर्म और ठंडा पानी दो जो लगी हुई हैं, तो इस ये ड्रम है उसमें आ जाता था, इसको बंद भी हो जाता था, तो पानी जो है एक्स्ट्रा उसमें से आप फिर निकाल भी सकते थे। ये उसके हैंगर्स हैं मैडम के, और ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है शावर। देख लें कि मैडम जो है वो महारानी जो वो शावर लेती थी, तो ये आजकल का जो शावर है वो बना हुआ है। उसके साथ साथ गर्मियों पंखा भी यहाँ पे लगा हुआ है कि आपको अगर गर्मी महसूस होगी तो फिर आप वो करेंगे, यहाँ पे आप अपना टॉवल लटकाती थी। और उसके साथ साथ उनका जो कमोड है वो भी आप देख सकते हैं कि उनका कमोड जो है वो आज भी इस तरह ये बना हुआ है, और वो इस कमोड पे जो है वो इस्तेमाल करती थी क्योंकि महारानी थी। तो यहाँ पे इनका जो होल्ड हैंडल डाउन है ये भी चीज़ें हैं, जॉन्स लेविक्स वेस्ट प्रिवेंटर पेंट, ये उसकी चीज़ें हैं जनाब। महारानी का आपने वॉशरूम देखा, बड़ा क्लास का जो है वो इसका वॉशरूम है। जाते हैं ये कर्टन आप देख सकते हैं कि उसी दौर का जो है वो कर्टन लगा हुआ है, बड़ा ही क्लास है कर्टन। ये देख लें जी उसका पर्दा है, इसको वो यहाँ से नज़ारा भी करती थी बाहर का जब बोगी चलती, तो ये तब के ही ये लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं उनका ये पूरा पर्दा जो है वो है। ये उनकी अलमारी थी जिसमें वो अपनी तमाम तर चीज़ें रखती थी, कपड़ों को हैंग करती थी। ये आप देख लें कि इस तरह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हैंगर उन्होंने बनाए हुए हैं जिसमें वो और कपड़े सीधे करके फिर यहाँ पे रखते थे। ऊपर एक एक्स्ट्रा जगह भी बनी हुई है, फिर उनका बल्ब देख लें। यहाँ पे महारानी जो है वो बैठ के मेकअप भी जो है वो करती थी, तो ये उसकी जो कुर्सी है 1888 की ही कुर्सी है। सामने इनका ये मिरर लगा हुआ है, ये घंटी शंटी लगी हुई है, ये बल्ब भी अभी तक यहाँ पर मौजूद है। इस मिरर में वो मेकअप वगैरह करती थी, और ये उनका मिरर आप देख लें साइड पर ये चीज़ें रखने के लिए। और फिर ये उनका है बड़ा आरामदायक जो बेड है, ये भी आप देखें बड़ा क्लास का और बड़ा ज़बरदस्त स्प्रिंग वाला जो है बेड है, ये जो आप भी हम इस्तेमाल करते हैं तो ये तब भी इस्तेमाल होता था। और फिर ये पंखे उनके लिए दो आज भी यहाँ पे जो है वो पंखे मौजूद हैं उनके, और फिर ये बेल वगैरह और साइड पे जो रखने के लिए उनके लिए चीज़ें रखने के लिए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी बल्ब एक लगा हुआ है बड़ा पुराना, ये भी उनकी एक्स्ट्रा अलमारी जो चीज़ है इस पर पुरानी चीज़ें हैं। और बड़ा ही क्लास का जो है उनका ये जो बेडरूम है जिसमें वो बैठती थी और अपना जो है वो सफ़र करती थी। और अब हम आगे जा रहे हैं, ये है जनाब मीटिंग रूम मलका साहिबा का, और आप देखें ये चेयर लगी हुई हैं तीन, इस पे जो है उन्होंने जिससे मिलना होता था वो यहाँ पे मिलती थी, और चेयर्स हैं उनकी। फिर वही साइड पे आपको कर्टन वगैरह भी दिखाते हैं एक्स्ट्रा जो उनके रखने की चीज़ें थी। पंखा, ये पंखा देख लें जी बड़ा प्यारा ही पंखा, और फिर वही बड़ा खूबसूरत तरीके से उन्होंने इसको बनाया हुआ था। ये महारानी जो है इन पे सोफ़ा उनके लिए अलग ये दो लगे हुए हैं, इसमें वो बैठती थी। और ये जो है वो टेबल है, इस पर जो काम होता था ऑफिशियल कोई चीज़ इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती थी वो यहाँ पे बैठ के रखती थी चीज़ें, और साथ ही ये टेबल है इस पर भी बैठ के काम जो है वो किया जाता था, और सारी जो चीज़ें थी इसके अलावा ये पंखा उनका जो चीज़ें बड़ी क्लास की उन्होंने सारी इस्तेमाल की जो चीज़ें रखी हैं। ये आप देख लें ये तब की है 1888 की जो है वो यूज़ होती थी, और ये सीढ़ियाँ जो है वो उनकी बनी हुई थी। जनाब ये देखें
बड़ा मैट्रेस बड़े मजे का है, जबरदस्त है। आपको रानी जो महारानी थी जोधपुर की, जो राजा थे महाराजा थे उनकी बेटी की, और जो गिफ्ट किया गया था शादी पे, वो आपको हमने दिखाया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और आज के दौर में भी से भी ये जो मॉडर्न चीज़ें हमें यहाँ पे मिली हैं, आपने राय ज़रूर देनी है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद असलम खोकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।